भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं सर्वमान्य किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती 23 दिसंबर को चक्कर के मिलक स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर किसान दिवस के रूप में मनाई गई तथा इस अवसर पर एक विचार गोष्ठी भी आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ के चेयरमैन जयवीर यादव ने की तथा सुंदर संचालन जिला महासचिव एवं ब्लॉक प्रमुख इंजीनियर इकबाल हुसैन ने किया। इस अवसर पर सभी नेताओं ने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा सपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष जहूर मलिक ने गीतों के माध्यम से किसान नेता को खराज अकीदत पेश किया। सपा महिला सभा की महानगर अध्यक्ष यास्मीन सैफी ने इस अवसर पर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, यह राजनीतिक ही नहीं का ही नाम नहीं बल्कि एक विचारधारा का नाम है। वो प्रधानमंत्री होते उनके अंदर कोई घमंड कभी नहीं आया। वो दिल्ली से लखनऊ तक ट्रेन से जाया करते थे। वो हवाई यात्रा को हमेशा उन्होंने गलत समझा। वो खर्च नहीं करते थे, जैसे कि आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, दुनिया घूमने को ही अपना लक्ष्य बना रखा है। उनका एक टारगेट है कि दुनिया घूमता रहूं, कुछ नहीं बचना चाहिए। समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर उपाध्यक्ष एवं पूर्व पार्षद मोहम्मद असलम पंचायती ने इस मौके पर कहा, अभी ये भाई साहब वाली कर रहे थे, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि आपको अगर सरकार लानी है और सरकार चाहते हैं 2022 में आप, तो आपको ये नहीं देखना कि टिकट किसको मिला है, ये देखना है टिकट जीतने वाले जहाँ कहाँ पर इसका फायदा किसको पहुँचेगा। समाजवादी पार्टी के कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो, कोई भी किसी बिरादरी का हो, ये नहीं देखना बिरादरी का है, क्योंकि जब समस्या आता है तो हम बिरादरी में बच जाते हैं, हिंदू मुस्लिम बच जाते हैं और हम इस बात से बच जाते हैं कि साहब ये टिकट नहीं मिला, मैं करवाऊंगा, मुझे टिकट मिला। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं 6 मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के पूर्व सांसद पद प्रत्याशी हाजी नासिर कुरैशी ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा, और सभी ने एक ही बात कही कि आज पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी की आज जयंती है, उसी को मनाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए और आज उनकी जयंती भी ऐसे मौके पर आई कि जिनके वो नेता थे, जिनके वो लीडर थे। आज तमाम ही देश का किसान दिल्ली बॉर्डर पर करीब 29 दिन से पड़ा हुआ मर रहा है, हत्याएं हो रही हैं और वर्तमान में सरकार उनकी बात को नहीं सुन रही है। तो साथियों, सभी वक्ताओं ने यहाँ पर अपनी अपनी बात रखी और एक बात कही कि वो किसानों के नेता थे, लेकिन वो किसानों के नेता ही नहीं, वो गरीबों के, दबों के, कुचलों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के, वो सभी हर एक उस गरीब के, मजबूर के नेता थे। आज वर्तमान में जो इस देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं, अगर उनके ऊपर उनकी हल्की सी परछाई भी होती तो आज देश का किसान जो अन्नदाता जिसको कहते हैं वो वहाँ पर नहीं मर रहा होता, हत्याएं नहीं हो रही। इस विचार गोष्ठी को लोकतंत्र रक्षक सेनानी बाबर खां, बिलारी के विधायक मोहम्मद फहीम इरफान, पूर्व विधायक अनीसुर रहमान, पूर्व जिला अध्यक्ष अथर हुसैन अंसारी तथा राजकुमार सिंह प्रजापति, निवर्तमान महानगर अध्यक्ष मोहम्मद तौसीफ उर्फ हाजी मन्नू कुरैशी, सपा शिक्षक सभा के जिला अध्यक्ष एमपी सिंह, SC/ST प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, वरिष्ठ सपा नेता हाजी तालिब अंसारी, राकेश दानव, प्रेम बाबू वाल्मीकि, कुलदीप विश्नोई, वीके सैनी, वेद प्रकाश सैनी, हाजी कसीम उल हक, प्रमोद यादव, नवदीप जाटव, प्रोफेसर तला खान आदि ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर मुरादाबाद देहात के विधायक हाजी इकराम कुरैशी के प्रतिनिधि युवा सपा नेता हाजी उबैद इकराम, वरिष्ठ सपा नेता अलहाज नेता सिद्दीक कुरैशी, विजयवीर सिंह यादव, सपा महिला सभा से राजेश कुमारी यादव, जिला पंचायत सदस्य ज्योति रानी, शमीमा अंसारी, राजेश्वरी यादव, इंदु शर्मा, सुनीता सिंह एडवोकेट, युवा सपा नेता कुशल यादव, सरवर मिर्जा, फहीम मंसूरी, हाजी सरताज आलम अंसारी,
जहां उल्ला खान, हाजी अताउर रहमान, नेम सिंह बहेलिया, चौधरी नबी हसन, नौशाद पाशा, राहुल गुप्ता, डॉक्टर दौलत राम तुरेहा, धर्मेंद्र यादव, अक्षय भटनागर, पारस वर्मा, अक्षय आर्यन, रचित पाल, मोहम्मद जावेद, शिवम कुमार, लुकमान खान, प्रदीप रस्तोगी, मोहम्मद शाकिर सलमानी, महेंद्र सिंह, उस्मान अली, कांट से मोहम्मद उस्मान अंसारी, सूबेदार नंद किशोर यादव, यूसुफ खलीफा, डॉक्टर विकास चौधरी, नरेश शर्मा, गजेंद्र सिंह यादव, चौधरी सोमवीर सिंह, चौधरी असलम खान, इंजीनियर विवेक चौहान, पंकज चौधरी, आरिफ चौधरी, मोहम्मद आकिब एडवोकेट, रासत हुसैन गामा, कुलदीप यादव, विकास दिवाकर, शहजाद हुसैन, सोनू राठौर, प्रेमपाल सिंह यादव, मोहम्मद मुस्लिम सैफी आदि सहित बड़ी संख्या में सपा नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी व समर्थक उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने इस आयोजन के विषय में जानकारी देते हुए बताया, आज देखिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती हम अपने समाजवादी पार्टी कार्यालय जनपद मुरादाबाद में मना रहे हैं। और चौधरी चरण सिंह जी ने एक नारा दिया, देश की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलियानों से होकर गुजरता है। तो चौधरी साहब ने हमेशा पिछड़ों की लड़ाई लड़ी है, किसानों की लड़ाई लड़ी है। आज उसी में हम समाजवादी पार्टी के सभी हमारे विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सभी लोग मिलकर यहाँ पार्टी ऑफिस पर चौधरी साहब की जयंती मना रहे हैं। क्या अपील करना चाहेंगे इस अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं से? मैं इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के अपने सभी साथियों से यही अपील करना चाहूँगा कि चौधरी चरण सिंह जी ने जो किसानों की लड़ाई लड़ी है, इसी को हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने भी 25 तारीख को भी किसान गोष्ठी करने के लिए आदेश दिया है। सब भी मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहूँगा कि गांव-गांव जाएं और जो ये भाजपा की सरकार किसान विरोधी काम कर रही है उसको उजागर करें, और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो मुख्यमंत्री रहते हुए काम करें उनको बताएं जनता के बीच में, और किसानों की जो समस्याएं उसमें समाजवादी पार्टी के वर्कर खड़े हों, साथी खड़े हों।